पूर्णिया में बिहार सरकार के गन्ना एवं कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि बिहार पहला राज्य है जहां एथनॉल नीति बनाई गई है, जिसका असर भी अब सामने आने लगा है। बिहार में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर आ रहे हैं और एथनॉल उद्योग लगाने पर काम भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्णिया के बनमनखी चीनी मिल को अब बियाडा के अंतर्गत दे दिया गया है, साथ ही एथनॉल नीति के कारण इस फैक्ट्री का भी कायाकल्प हो पाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की भूमि का सर्वे कराया जा रहा है, इसके लिए भूमि सुधार विभाग काम कर रहा है। बिहार में हजारों एकड़ भूमि न्यास बोर्ड के पास जमीन है और उस जमीन को अतिक्रमणकारियों के द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है और उस तमाम जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और उस जमीन को न्यास बोर्ड के पोर्टल पर भी डाला जाएगा ताकि धार्मिक न्यास बोर्ड की जमीन न्यास बोर्ड की ही रहे। गन्ना उद्योग एक बनमनखी चीनी मिल इस पूर्णिया की जो बंद है तो उस वह जो अभी उद्योग विभाग का अधीनस्थ चला गया है तो कई ऐसे इन्वेस्टर अब आ रहे हैं। एथनॉल की जो माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो एथनॉल की जो नीति बनाई गई है इसमें अच्छे अच्छे इन्वेस्टर लोग आ रहे हैं जो गन्ना आधारित फिर ग्रीन आधारित एथनॉल लगाएंगे तो उसके दृष्टिकोण से भी प्रमंडल आयुक्त के समक्ष बैठक करनी है और हम लॉ मिनिस्टर हैं तो लॉ विभाग के अधीनस्थ धार्मिक न्यास बोर्ड है जिसके अधिकारी भी आए हैं। तो धार्मिक न्यास बोर्ड जो है 1950 में बना और धार्मिक न्यास बोर्ड बनने के बाद जो भी हमारे पूर्वज थे जो हमारे परिवार के लोग थे वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी को न्यास बोर्ड के अधीनस्थ ठाकुर जी के नाम राम जानकी के नाम दे दिए। ऐसे राज्य में हजार हजार एकड़ भूमि है परंतु इस भूमि का कोई लेखा जोखा सरकार के पास और धार्मिक न्यास बोर्ड के पास अब तक नहीं है। जो गए बता दिए कि हाँ 12 एकड़ भूमि 100 एकड़ भूमि 25 एकड़ भूमि अभी मठ ठाकुर जी मठ राम जानकी उसके नाम पर ही निबंधित हो गए लेकिन ये भूमि जो है जो हमारे इष्ट देव के भोग प्रसाद के थे इस भूमि का जो है ये बहुत इसमें कई प्रकार के मामले सामने आ गए हैं। तो धार्मिक न्यास बोर्ड ने इसी अप्रैल महीने में फैसला किया मेरे ही अध्यक्षता में मीटिंग करके कि राज्य सरकार द्वारा अपने माननीय मुख्यमंत्री अपने माननीय राजस्व मंत्री द्वारा राज्य के 38 जिला में 20 जिला में भूमि सर्वे का काम हो रहा है। तो उस भूमि सर्वे में जिसकी भूमि होगी उसको उसका भूमि का सर्वे सूची में उसका नाम होगा परंतु जो मेरे ठाकुर जी का भूमि है जो माता राम जानकी का भूमि है या अन्य कबीर पंथ की भूमि है जैन समाज की भूमि है ओवर मठ की भूमि है कई जो या हमारे जो मुस्लिम समाज की भूमि है तो ये जो जितनी भूमि है उसका भी नाम इस सर्वे सूची में आ जाए इसलिए हम लोग प्रमंडल आयुक्त के सानिध्य में इस पूर्णिया प्रमंडल की एक बैठक हम लोग पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आ जाए आयोजित होने वाला है प्रमंडल आयुक्त के जी के देख रहे हैं और हम लोग हर जिला में इसके एक नोडल पदाधिकारी बनाएंगे। जैसे पटना जिला में जो पटना के राजस्व भूमि के जो ATM थे वो नोडल पदाधिकारी बने उसी प्रकार वैशाली जिला में हम लोग ये कार्यक्रम किए बैठक किए तो वहाँ के भी जो ADM थे वह इसके नोडल पदाधिकारी बने और उन लोगों को हम एक महीना का समय दे रहे हैं कि आपका सर्वे सीमांचल का काम में चल रहा है। इस सर्वे में जो हमारे इष्ट देव की भूमि है जो हमारे ठाकुर जी का भूमि है उसको भी आप सर्वे करके और इस चीज़ को चिन्हित करके किसी को राइट नहीं है इसको सर्विस कर दें किसी को राइट नहीं है इसके क्षेत्र में अतिक्रमण करने लेकिन ये सब जो हो गई है उसको भी चिन्हित करना और एक धार्मिक न्यास बोर्ड का जो पोर्टल बन रहा है उस पोर्टल पर इसको लोड करेंगे कि देश के और दुनिया के जो
लोग हैं वह देखेंगे कि पूर्णिया के ठाकुर जी के नाम पर इतना भूमि, फलाने मठ के नाम पर, और उसका फोटो भी लगा दिया, भूमि का प्रकार, भूमि का अतिक्रमण, भूमि पर न्यायालय पर विवाद, जो भी मामला है उसको चिन्हित करके डालना है।